अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे एक बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं शायर इस्लाम हज़रत हिदायत बस्तवी साहब क़िबला। आज उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, उन्हीं से मुलाकात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। आप हज़रात भी दुआएँ फ़रमाएँ। मेरी ख्वाहिश थी ये कि नबी के नात दो अशार इनसे सुन लिया जाए, ताकि नबी के नात के सदक़े में इनकी जो बीमारी है वो दूर हो जाए। जी हिदायत भाई, अभी आपकी तबीयत कैसी है? जी, आप दो अशार अगर हो सके तो नबी की नात सुना दें। दर्द पाक पर अल्लाह वसल्ली अला सय्यिदना अल्लाहुम्म सल्ली अला मौलाना सय्यिदना मुहम्मद मुहम्मद वाली मुस्लिम सल्लल्लाहु अस्सलाम अलैहि का सैयद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बैठो। जी, थोड़ा बैठ जाओ। ऐसा गुंबद वाले जब वक्त नज़ाए दीदारे सुभान अता अल्लाह, आमीन आमीन। करना, क्या बात है भाई। जब वक्त नज़ाए दीदारे अता करना, मैं कब्र अंधेरी घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, कि मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को, रोशन मेरी को ऐ नूरे खुदा आमीन कहना, आमीन। सुभान जब अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त नजा आए दीदारे अता जी, करना। नाज़रीन इकराम, आप हज़रात हमारे हिदायत बस्तवी साहब के लिए दुआएं फरमाएं कि अल्लाह तबारक ताला उन्हें जल्दी शफायाब फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।